Student, let's now start our second chapter of class 7th, that is new kings and kingdoms. कौन कौन से नए किंग्स और नए नए किंगडम्स जो हैं वो बने. देखिए जो 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी 18 AD था हमारा, 8 टू 12th सेंचुरी AD, यहाँ पे कई अलग अलग नए नए डायनेस्टीज जो थे वो बने. ये हर एक डायनेस्टी का अपना एक डिज़ायर थी कि वो बड़े बड़े एम्पायर्स बनाएं, इसीलिए वो आपस में लड़ते रहते थे. बहुत सारे नए नए राजपूत किंगडम्स और वो उनका इमर्जेंस हुआ. चलिए फर्स्ट बात करते हैं राजपूत. राजपूत जो है वो एक संस्कृत से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सन ऑफ किंग. सन ऑफ किंग हमें नाम से ही पता चलता है, राज एंड पुत मतलब सन ऑफ अ किंग, राजा के बेटे को कहा जाता था. देखिए जो राजपुत्र थे यानी कि सन ऑफ किंग, वो अपने आप को सन गॉड और मून गॉड, सूर्यवर्ष सूर्य वंश और चंद्रवंश, यानी कि कुछ अपने आप को मानते थे सूर्य के वंश, सूर्य के जो वंश है वो अपने आप को समझते थे, और कुछ थे जो चंद्रवंश यानी कि मून गॉड के वंश अपने आप को वो मानते थे. द सन गॉड एंड द मून गॉड. पूरे राजपूत किंगडम में से जो मोस्ट प्रोमिनेंट या बेस्ट जिसे हम कह सकते हैं वो थे चमनास. चमनास जिन्हें हम चौहान्स भी कहते हैं. चौहान्स हम जानते ही हैं, चौहान्स ये जो थे राजपूत किंगडम के बेस्ट या जिसे कह सकते हैं प्रोमिनेंट रूलर्स थे. अब हम पढ़ेंगे क्या कौन कौन से अलग अलग नए नए किंगडम्स जो थे वो इस पीरियड में बने अलग अलग. देखिए बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स इस टाइम पे थे, मतलब बहुत बिग लैंडलॉर्ड्स, नए नए लोग जो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, नए नए किंगडम्स बनाना चाहते थे. बिग लैंडलॉर्ड्स जैसे कि जो अपने आप को मानते थे समानता, ये बहुत ही रिच और पावर और वेल्थ इनके पास होता था, महासमानता. राणा, बिग लैंडलॉर्ड्स ये सब होते थे. वैसे ही कि एक हिस्टोरिकल इंस्टेंस है जिसको हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रकूट्स, कि जो राष्ट्रकूट्स थे वो बिलोंग करते थे डेकन पार्ट से, यानी कि साउथ पार्ट से वो बिलोंग करते थे. देखिए प्राइमरी स्टेज में जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्यास के अंडर थे, चालुक्यास के सबॉर्डिनेट्स थे. बट मिड 18th सेंचुरी जैसे हुई तो जो डांटी दुर्गा थे, जो इस किंगडम के फाउंडर हैं, इस किंगडम के फाउंडर जो कि हैं डांटी दुर्गा, इन्होंने चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन को ओवरथ्रोन कर लिया और जो डायनेस्टी है वो अपने अंडर ले ली. जो चालुक्यन किंग थे कीर्तिवर्मन, उनसे इन्होंने डेक्कन ले लिया और एक लार्ज पोर्शन डेक्कन का इन्होंने अपने अंडर कर लिया. अब ये जो थे वो एक प्रथा को फॉलो करते थे. देखिए ये जो थे वो एक प्रथा फॉलो, उन्होंने एक प्रथा फॉलो की जिसे कहा जाता है हिरण्य गर्भा. देखिए ये जो प्रथा थी ना वो ब्राह्मण्स के द्वारा की जाती थी. ऐसा मानना था कि जो भी इस रिचुअल या इस प्रथा को परफॉर्म करेगा उसका नया जन्म होगा, ही विल बी रिबर्थ, उसका एक पुनर्जन्म या नया जन्म होगा जिसमें वो कैसे बॉर्न होगा, एज अ
क्षत्रिय उसका वापस से जन्म होगा। अगर वो बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं है तो अगर वो ये प्रथा फॉलो करेगा तो उसका रीबर्थ होगा। रीबर्थ, रीबर्थ कैसे होगा? एज अ क्षत्रिय। तो जो यहाँ के किंग थे इन्होंने भी ये हिरण्यगर्भा रिचुअल परफॉर्म की और ऐसा मानते हैं कि उन्होंने एज अ रीबर्थ किया। कैसे? एज अ क्षत्रिय। जो जो राष्ट्रकूट थे इन्होंने अपनी बहुत अच्छी हाइट्स अचीव की एक एबल रूलर जिनका नाम है अमोघवर्षा। अमोघवर्षा इनके इन्फ्लुएंस में इन्होंने बहुत अच्छी हाइट अचीव की, बहुत इनका जो किंगडम था राष्ट्रकूट उसको आगे इन्होंने बढ़ाया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हिरण्यगर्भा की। हमने जैसे कि बात की ये एक रिचुअल परफॉर्म करते थे जिसमें रीबर्थ होता था एज अ क्षत्रिय। नाउ टू कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एक और अब जो हमारे वेस्ट की अगर हम बात कर लें, वेस्टर्न किंगडम, वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात, तो वहां पर एक नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई जिसे हमने कहा गुर्जर प्रतिहार्स। अभी भी हम नाम सुनते हैं गुर्जर का। अब गुर्जर प्रतिहार्स थे वो प्रोमिनेंस में कब आए? जब इनके किंग नागभट्टा फर्स्ट जिसे हम कहते हैं, इन किंग ने अरब इन्वेडर्स को हराया तब ये प्रोमिनेंट हुए। अरब इन्वेडर्स को इन्होंने हराया और देन गुर्जर प्रतिहार जो थे वो प्रोमिनेंट बने। मिहिर भोजा, जो मिहिर भोजा थे वो इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे। सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो इनके थे वो थे मिहिर भोजा। इन्होंने पूरा एम्पायर अगेन अच्छे से बनाया। कन्नौज को इन्होंने कॉन्कॉर्ड किया, कन्नौज को कॉन्कॉर्ड किया और ये काफ़ी सेंचुरी तक, मतलब नियरली 100 ईयर्स तक जो कन्नौज है वो इनकी कैपिटल रही। ही लेफ्ट अ पावरफुल किंगडम कंप्राइजिंग मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजपूताना एंड गुजरात टू हिज सक्सेसर। इन्होंने काफ़ी पावरफुल किंगडम अपने सक्सेसर को दिया। ये थे हमारे गुर्जर प्रतिहार्स। अब थर्ड हम बात करते हैं वो है हमारे पालास, पालास डायनेस्टी इस पीरियड की। जो पाला डायनेस्टी थी वो गोपाला ने फाउंडेड की थी। ये अपनी कैपिटल, इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी जो वो इनकी कैपिटल थी। ही डोमिनेटेड ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया टिल द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। जो पाला किंग के ग्रेटेस्ट किंग थे वो थे धर्मपाला। पाला किंगडम के ग्रेटेस्ट या मोस्ट प्रोमिनेंट जिनको हम कह सकते हैं वो थे गोपाला। ये धर्मपाला के, सॉरी धर्मपाला जो कि गोपाला के बेटे थे। कुछ तिब्बतियन अकाउंट से हमें पता चलता है कि जो पालास थे वो बुद्धिज्म को मानते थे। दे वर द पेट्रोन्स ऑफ बुद्धिज्म। जो धर्मपाला थे इन्होंने एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी बनाई जिसे हम जानते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। हम आज भी जानते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इनके जो लास्ट देवपाला थे वो इनके मोस्ट और बेस्ट पावरफुल रूलर थे। इनकी ड्यूरिंग हिज रेन देयर किंगडम एक्सटेंडेड टिल प्रयाग ज्योतिषपुर जिसे हम आज आसाम कहते हैं, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड अदर पार्ट्स ऑफ मॉडर्न नेपाल। देवपाला जो थे वो इनके लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे। आफ्टर हिज डेथ पाला डायनेस्टी बिकेम वीक। इनकी डेथ के बाद जो है वो पाला डायनेस्टी क्या हो गई? वीक हो गई। ये हमने तीन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा राष्ट्रकूट्स, देन हम आए गुर्जर प्रतिहार्स और देन हम आए पाला डायनेस्टी पे। अब बात करते हैं त्रिपार्टीत स्ट्रगल की कि क्या था ये स्ट्रगल। देखिए जो भी अलग अलग डायनेस्टीज थी वो पहले रिच थी बट वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ अक्वायर करना चाहती थी। दे ऑफन ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज फॉर मोर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये अदर एरियाज को अपने अंडर करना चाहती थी और जनरली वो एरियाज कैसे होते थे जिसमें बड़े बड़े टेम्पल्स हो, क्योंकि टेम्पल्स जो थे वो रिच हुआ करते थे। और वैसे ही इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था वो था कन्नौज। कन्नौज वॉज एन इम्पॉर्टेंट रीजन
क्यों था? क्योंकि ये इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश. रिवर गंगा के बैंक पे जो था वो बना हुआ था कन्नौज. तो अब जो द किंगडम ऑफ पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट था, ये आपस में लड़ते थे किसके लिए? कन्नौज के लिए. देखिए, राष्ट्रकूट यहां से हम देखें तो गुर्जर प्रतिहार, और पालास, ये तीनों किसके लिए फाइट करते थे? फॉर कन्नौज. ये कन्नौज क्या था? वेल्थी था. रिवर गंगा के बैंक पे ये बना हुआ था एंड इट वाज अ वेल्थी. तो जो ये तीनों थे त्रिपार्थी, इसीलिए कहते हैं त्रिपार्थी, मतलब ये तीनों गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास क्या चाहते थे? कन्नौज. इस कन्नौज की जो स्ट्रगल है इसी को हम कहते हैं त्रिपार्थित स्ट्रगल, क्योंकि ये तीन किंगडम इसमें इन्वॉल्व थे और वो मोर देन टू सेंचुरीज, यानी कि 200 साल तक वो इस किंगडम के लिए रहे. 782-910 AD तक इस किंगडम के लिए स्ट्रगल करते रहे. कौन? राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहार और पालास. अब देखिए, अब ऐसा क्यों था? वाई वॉज देयर सच काइंड ऑफ वॉरफेयर एंड फाइट अमॉन्ग्स किंगडम? क्यों आपस में सारे किंगडम फाइट करते थे? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम के हर एक किंगडम को अपनी पावर बढ़ानी थी. वो चाहते थे कि उनकी वेल्थ उनकी टेरिटरीज के बियॉन्ड बढ़े, उनकी ट्रेजरी बढ़े. इसलिए वो अक्सर किसको टारगेट करते थे? टेम्पल्स को, क्योंकि टेम्पल जो थे वो एक्सट्रीमली उस टाइम रिच हुआ करते थे. इसीलिए वो जहाँ भी टेम्पल्स होते उस किंगडम को वो लोग अटैक करते और वहाँ के टेम्पल्स वो अपने अंडर में लेना चाहते थे. अब हिस्टोरिकली एक और प्रोमिनेंट रूलर की हम बात करते हैं यहाँ, तुर्क सुल्तान महमूद गजनी. महमूद गजनी, इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किया. ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 to 1026 AD. इनके टारगेट्स भी क्या होते थे? वेल्थी टेम्पल्स ही होते थे. इनके कोर्ट हिस्टोरियन है अल बिरूनी, जिन्होंने इनके साथ ट्रैवल किया. अल बिरूनी हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी, ये भी इनके साथ थे जब भी इन्होंने जितने भी इन्वेजन किए. महमूद गजनी इनके अल बिरूनी इनके साथ थे. अल बिरूनी ने एक किताब भी लिखी हमारे सबकॉन्टिनेंट पर जिसे कहा जाता है किताबल हिंद. ये बहुत ही अच्छी थी और इसमें काफ़ी कुछ अबाउट महमूद गजनी हमें पता चला. किताबल हिंद, इन्होंने इसे लिखने के लिए बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स को भी अपने उसमें इंक्लूड किया और उन सब से मिलजुल के उन्होंने किताब लिखी किताबल हिंद, जिसे हमने कहा. नेक्स्ट थे चमनाज, और जिसे हम जानते हैं एज अ चौहान्स. चौहान्स भी जो थे, द बेस्ट नॉन चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज. इनके जो बेस्ट रूलर थे वो थे पृथ्वीराज थर्ड. इनके ऊपर भी एक बुक लिखी गई है पृथ्वीराज रसो, जो इनके ये कोर्ट आर्टिशन ने लिखी थी जिनका नाम था चांद बरदा. इन्होंने इन पे बुक लिखी थी पृथ्वीराज रसो. इन्होंने पहले तो मोहम्मद गौरी के कई अटैक को रेजिस्ट किया, बट एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय मोहम्मद गौरी. पृथ्वीराज जो थे वो मोहम्मद गौरी के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिए गए. देखिए, हमने फर्स्ट तीन नए डायनेस्टीज के बारे में देखा, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार एंड पालास. फिर हमने देखा कि कैसे ये तीनों ने जो कन्नौज थे, कन्नौज के लिए स्ट्रगल्स हुए. गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास ने कन्नौज को एक्वायर करने के लिए अबाउट टू सेंचुरीज तक स्ट्रगल किए. देन हमने देखा कि कैसे लोग सब अपने आप किंगडम को बढ़ाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी वेल्थ और पावर बढ़े. इसके लिए वो आपस में फाइट करते थे और दूसरे अलग अलग कंट्रीज को, सॉरी अलग अलग सिटीज को इन्वेड करना चाहते थे. ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ.